हेलो गाइस, गूंज है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो गूंज वेव्स मैंने चैनल बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ और आप जो भी पोएम मुझे बोलने के लिए बोलते हैं वो बोल पाऊँ। और थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, बट अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं आप लोगों से कनेक्ट भी हो रही हूँ, आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई भी कर रही हूँ। तो गाइज, आज मैंने सोचा है कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो हमेशा कहती हैं कि दिया आप अपने बालों पे क्या लगाती हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, हुआ करते थे पर अब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कुछ महीनों पहले मेरी कज़न की शादी थी, तो मैंने 4 या 5 साल बाद अपने बालों पर कुछ किया। और सबसे पहली गलती कि मैंने उस पर कलर करवाया और उसके 15 डेज के बाद मैंने स्ट्रेटनिंग भी करा ली और ये भी मुझे कम लगा, तो मैंने उसके 15 दिन बाद कैरेटिन भी करा ली, जो कि मेरी बहुत ही बड़ी भूल थी, क्योंकि उस वजह से मेरे पूरे बाल जा चुके हैं, बालों की डेंसिटी ख़त्म हो गई है और बालों में कुछ भी नहीं बचा है। और जैसे कि आप सब जानते ही हो यार कि स्ट्रेटनिंग कराने के बाद ना बाल गिरते ही गिरते हैं, चाहे आप कितने ही अच्छे ट्रीटमेंट कर लो, कुछ भी कर लो। और गाइस, कैरेटिन कराने के बाद जो शैम्पू मैं यूज़ कर रही थी वो है द फैब्यूलस। ये शैम्पू मैं यूज़ कर रही थी कैरेटिन के बाद अभी तक, आई थिंक कुछ 6-7 महीनों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो और लेकिन फिर भी मेरे बालों में कोई मैंने प्रोग्रेस नहीं देखी और इनफैक्ट मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। और आप देख सकते हो बालों में कोई भी डेंसिटी नहीं है, ये देखो बहुत ही पतले हो चुके हैं मेरे बाल। तो और मैं अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे बालों से बहुत प्यार है। तो गाइज, अभी मैंने वेदिक्स के काफ़ी सारे रिव्यू देखे और पर्सनली भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैं वेदिक्स यूज़ करूँ, और मैंने भी काफ़ी गूगल किया कि क्या है वेदिक्स और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखने में तो मुझे सही लग रहा है, आयुर्वेदिक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। जब आप इसकी साइट पे जाएंगे vedics.com पे, तो वहाँ या आपसे रिलेटेड या आपके बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आपके बालों के लिए शैम्पू, सीरम एंड ऑयल रिकमेंड करते हैं। तो मैंने भी अपना ये सारा डेटा अपना गूगल पे डाला और उसके बाद इन्होंने जो मुझे भेजा है वेदिक्स का प्रोडक्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ गाइस क्योंकि बहुत सारे फैंस मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ तो द फैब्यूलस अभी तक कर रही थी बट मुझे उसका कुछ मिला नहीं रिजल्ट, और अब मैं आपको दिखाती हूँ वेदिक्स। ये देखिए गाइस, ये इस तरीके के डब्बे में आपको मिलेगा वेदिक्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि पैकिंग बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल, और सबसे ब्यूटीफुल लगा मुझे ये देखिए, ये प्रॉपर जो हमारे बोरी बनती हैं अपने इधर, तो उसी उसका इन्होंने पाउच दिया हुआ है, तो इसी से इन्होंने फील करा दिया है कि ये लोग कितना मतलब देसी हैं और आयुर्वेदिक हैं और हमारी पुरानी चीज़ों को रख के चलते हैं। तो बाकी तो इसे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके अंदर जो इन्होंने दिया है ये है वेदिक्स कस्टमाइज आयुर्वेदिक शैम्पू, ये है शैम्पू, और इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं गाइस, शैम्पू और सीरम, ये रहेगा आपका सीरम, और थर्ड आपका आ जाएगा ऑयल, ये देखिए ये है ऑयल। और तो गाइज, इसमें इन्होंने दिए हैं कुछ रूल्स और कि इसे कैसे यूज़ करना है, और तो मैं आपको बता देती हूँ। मंडे को करनी है ऑयलिंग, नाइट में सोने जाने से 2 घंटा पहले आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, ठीक है, और ऑयल ऐसे भर भर के नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ड्रॉप्स लेने हैं और अपने स्कैल्पिंग लगाने हैं बस। और उसके बाद ट्यूजडे को आपको करना है शैम्पू और सीरम, सीरम भी ऐसे ही करना है गाइस, सीरम भी आपको रात को ही लगाना है, आप सुबह भी लगाना चाहें तो शायद लगा सकते हैं, बट इसमें लिखा है कि नाइट में ही आपको सीरम लगाना है बालों में। और फिर वेडनेसडे को आपको ऑयल करना है, फिर थर्सडे को शैम्पू करना है, फिर फ्राइडे को ऑयल करना है, और फिर सैटरडे को शैम्पू करना है, और संडे को आपको कुछ भी नहीं करना है बालों में, ठीक है। तो ये इनका है कि कैसे यूज़ करना है, और इनका जो ये है ये लोग बोलते हैं कि 6 मंथ तक आपको इसे यूज़ करना है, 6 मंथ में आपको अच्छी खासी बालों की डेंसिटी, ग्रोथ सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये मैंने इसीलिए अपना मंगवाया है तो आपको बता दिया, और अब फिर मैं आपको 1 महीने बाद इसका रिव्यू दूंगी कि कैसा है कैसा नहीं है। इन्हें मंगाने के लिए गाइस आपको जाना पड़ेगा vedics.com पे, वहाँ वो लोग आपसे जो भी क्वेश्चंस आंसर करेंगे वो आपको आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, और उस हिसाब से वो आपके लिए कस्टमाइज करके आपके हिसाब से आपके बालों को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आपके लिए शैम्पू
भेजेंगे। तो ये मैंने मंगाया है 999 में, इनका 999 का पैकेज था। इनफैक्ट ये बहुत ही मुझे तो सस्ता ही लगा, क्योंकि जो मैं कैरेटिन के शैम्पू कर रही थी बहुत ही महंगे हैं और बिल्कुल यूजलेस हैं गाइस। तो हम जो देखते हैं ना कि महंगे शैम्पू हैं तो अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे अमाउंट की चीज़ें भी यूज़ करते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छी लग जाती हैं। तो मैं तो यही विश कर रही हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा हो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवा लिए, दिखा लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो गाइज ये है मेरे बालों का राज, जो कि आप हमेशा पूछते थे, तो आज मैंने बता दिया फाइनली कि मैं क्या यूज़ करती हूँ और अब मैं क्या यूज़ करने जा रही हूँ। और आई होप कि मेरे बाल अच्छे हो जाएँ। तो ठीक है, थैंक यू। एंड अपने कमेंट्स मुझे करते रहिए, क्योंकि मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ और किसी को मुझसे कोई भी बात करनी है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी लाइव भी आना शुरू करूँ, ताकि आप वन टू वन मुझसे कनेक्ट हो सकें। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए गूंज वेव्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए।